कौन होगा पंजाब का सिंह, कितनी सीटें मिलेंगे किस गठबंधन को और किसे पंजाब की जनता ने कम से कम इस ओपिनियन पोल में चुना है मुख्यमंत्री। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश गुजराल जो कि शिरोमणि अकाली दल से, और प्रणीत कौर कांग्रेस की और विदेश राज्य मंत्री। नरेश जी, पंजाब का इतिहास है कि एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही है, और आपके सामने तो ये फेहरिस्त हो चुकी है असफलताओं की, नाकामियों की। मेरे ख्याल से आपके लिए मुकाबला अभी से कम इतिहास पर हम नजर डालें तो आप हार ही चुके हैं। इतिहास तो हरियाणा में भी यही कहता था, लेकिन वहां आपने देखा कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। जो सरकार आज डिलीवर करेगी, जो सरकार आज लोगों को में ये फीलिंग देगी कि उन्होंने डेवलपमेंट का एजेंडा फॉलो किया है, उसको दोबारा लोग आज वापस लाने को तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज पंजाब के लोग एक बार फिर बादल साहब को मौका देंगे। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप, डेवलपमेंट हुआ है पंजाब में? डेवलपमेंट हुआ है वो मैं तो ये कहूंगी कि जिन जिन क्षेत्रों में मैं गई हूं वहां तो कुछ नहीं देखा। आज सारा दिन मैं अपने क्षेत्र के गांव में थी, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी ना पेंशनें आई हैं, ना उनके कोई मकानों का जो सेंटर से भी पैसा आता है वो भी इनके पास नहीं है। बल्कि ऐसा है कि कई गांव में ऐसा देखा है कि उनके अकालियों के सरपंचों ने उनकी जो चेक है अपनी जेब में डाले हुए हैं और उनको बोल रहे हैं कि या तो आप अकाली दल को वोट डालो नहीं तो हम चेक नहीं देंगे। और बहुत ही बुरा हाल है, सिटीज में जाओ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। शायद कोई डेवलपमेंट बठिंडा और मुक्तसर में हुई होगी, वही मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि हमें तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ नरेश जी, आपकी उपलब्धि के तौर पर आप लोग बार बार कहते रहे कि हम पंजाब में 3 थर्मल प्लांट शुरू करने जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि 3 साल गुजर चुके हैं। आपने कहा 3 साल में तैयार हो जाएगा, मगर अभी तक कमीशनिंग तक नहीं शुरू हुई है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पोल खोलती है नरेश जी? थर्मल प्लांट कहीं भी सारे देश में एक दिन में नहीं लगता, जब तक आपको सेंटर से परमिशन मिलती है, जब तक आप कोल लिंकेजेस एस्टेब्लिश करते हैं, एनवायरमेंट से परमिशन लेते हैं, 2-3 साल तो सेंटर में लग जाते हैं। हमने वो सब परमिशन ली, उसके बाद बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइवेट कंपनियों को बुलाया, काम चल रहा है, 1.5 साल में पंजाब पावर सरप्लस हो जाएगा। आप इस दलील को मानती हैं प्रणीत जी कि 1.5 साल तक पावर सरप्लस की बात कर रहे हैं नरेश जी? हम ये बात जब से इनकी सरकार बनी है हम यही सुन रहे हैं कि 1.5 साल में पावर सरप्लस होगा। अब 5 साल गुजरने वाले हैं, अभी कोई सरप्लस नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐड भी नहीं हुआ। अब जरूर इन्होंने 3 पावर प्लांट दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल में सरप्लस होगा। और आज की जो स्थिति है उसमें हम कोई 1000 मेगावाट से ज्यादा कमी महसूस कर रहे हैं जितनी होनी चाहिए पंजाब में। नहीं, सच तो यहां पर यह भी है नरेश जी कि आज जिस तरह की सब्सिडीज, जिस तरह की रियायतें आपने किसानों को दी है, अर्थव्यवस्था का जो पूरा मॉडल है पंजाब का पूरी तरह से चरमरा चुका है। लोक लुभावन नीति, पॉपुलिस्ट नीतियों की भेंट एक तरह से बलि चढ़ा दी आपने इकोनॉमी नरेश जी। अगर पंजाब की सरकार दे गरीबों के लिए कुछ तो वो पॉपुलिस्ट होता है, अगर दिल्ली की सरकार दे तो वो आप कहते हैं कि साहब वो तो जरूरी है गरीबों के हित के लिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि दिल्ली की सरकार करे तो ठीक है, लेकिन पंजाब की सरकार करे तो गलत है। किसको दे रहे हैं? गरीबों को तो दे रहे हैं। जो आदमी दो बार रोटी नहीं खा सकता, जो इतना गरीब है, हम उसको अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप तो उसमें गलत क्या है? कम से कम पंजाब देश के प्रगतिशील राज्यों में से है, कम से कम यहां तो तर्क को फॉलो किया जाए, यहां तो कम से कम पॉपुलिस्ट नीतियों का निर्वहन ना हो। ये एक ऐसा है जो कि ब्रेड बास्केट है पूरी कंट्री का, मगर यहां पर भी वही हकीकत है, यहां पर भी वही दास्तान है जो देश के बाकी राज्यों में दिखाई दे रही है। आप अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको फिगर दे सकता हूं। हमारे स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो पिछले 5 साल में 9017 करोड़ से बढ़कर 20408 करोड़ रुपया हो गया। स्टेट की जीडीपी जो थी 1,26,000 करोड़ से बढ़कर 2,55,000 करोड़ हो गई है। और क्या कर रहे हैं हम पैसा
इकट्ठा भी कर रहे हैं टैक्स के जरिए और वो गरीबों को अगर दे रहे हैं तो उसमें गलत बात क्या है। गरीबों के हित के लिए हर सरकार चुनी जाती है और हर सरकार का फर्ज है कि वो गरीबों का उत्थान करे।